Okay, I want to talk to you about supernatural ability, अलौकिक क्षमता के विषय में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ. सो लेट्स हैव अ वर्ड ऑफ प्रेयर और उसके बाद हम आज के वचन को हम शुरू करेंगे. पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रत्येक रूप से, हर एक गवाही को जो हमने सुना. हाउ अमेजिंग इज योर वर्क लॉर्ड, आपका काम कितना अद्भुत है, उसके लिए हम आपको सारी महिमा देते हैं. इसमें सिर्फ आपका ही हाथ है. और प्रभु, स्तुति आराधना के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं. अद्भुत समय आपकी उपस्थिति में जस्ट आपको प्रेम करना, आपको निहारना, आपकी तरफ देखना और आपसे जस्ट फॉलोइंग इन लव विद यू जीसस. इट्स सो वंडरफुल टू वर्शिप यू एंड जस्ट बिहोल्ड योर ब्यूटी. थैंक यू. और प्रभु, वचन के लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं. वचन का प्रकाशन आप हमें दीजिए. सारी महिमा आपको देते हैं. आपके वचन को चिन्ह चमत्कार और अद्भुत काम के द्वारा आप दृढ़ करें. वचन का रेवलेशन, इल्यूमिनेशन, एनलाइटन, एनलाइटमेंट, इनसाइट आप आजाद कर रहे हैं, इसीलिए धन्यवाद. यीशु के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर. आमेन. प्रेज गॉड. आमेन. ओके, सो टुडे हम बात कर रहे हैं सुपरनेचुरल एबिलिटी के बारे में, अलौकिक क्षमता. जैसे आप जानते हैं कि ये महीना परमेश्वर ने मुझसे कहा कि ये महीना अलौकिक महीना है, लेकिन एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि मैंने कहा या परमेश्वर ने मुझसे कहा और मैंने आपसे कहा कि अलौकिक महीना है, तो वो आपके लिए अलौकिक हो नहीं जाएगा जब तक आप उसे ग्रहण न करें. दैट मीन्स परमेश्वर के दास का एक भाग होता है, फिर जिनके पास वो मैसेज पहुंचता है उनका एक भाग होता है. प्रेज गॉड. जैसे परमेश्वर ने मैसेज मुझे दिया तो मेरा एक भाग है कि मुझे उस मैसेज को बिलीव करना है. वचन में लिखा है कि अपने भविष्यद्वक्ता, अपने दास पर विश्वास करो. वो मैसेज देता है, उस पर विश्वास करो तब तुम कृतार्थ होगे. तो हम जब ऐसे वचनों को सुनते हैं कि ये साल फलदाई साल है, ये महीना अलौकिक महीना है, तो हमारा भाग है कि हमें उसे विश्वास करना है और हमें उसे बोलना है. हर बार आपकी प्रार्थनाओं में ये शब्द आना चाहिए. वो बताता है कि आप अपेक्षा कर रहे हैं. प्रेज गॉड. क्योंकि ये जब वचन आप सुनते हैं, कुछ ना कुछ बदलता है. आपके शब्दों में बदलाव आता है. आप दिन भर की जो आपकी चर्चा होती है उसमें अलौकिक शब्द आने लगता है, प्रार्थना में अलौकिक शब्द आने लगता है, आपके अंगीकार में अलौकिक शब्द आने लगता है. वो बताता है कि सच में आपने परमेश्वर के दास के वचन पर विश्वास किया है. प्रेज गॉड. सो नाउ यू टॉकिंग अबाउट सुपरनेचुरल. मैं अपेक्षा कर रहा हूँ कि प्रभु मैं अलौकिक, वही चीज मैं कर रहा हूँ क्योंकि प्रभु ने ये वचन मुझसे कहा. तो अपनी प्रार्थनाओं में, अंगीकार में मैं ये विश्वास कर रहा हूँ कि प्रभु मैं अलौकिक चीजों को देख रहा हूँ. आई बिलीव आई एम सीइंग सुपरनेचुरल थिंग्स. अपने आर्थिक क्षेत्र में अलौकिक चीजों को देख रहा हूँ, अपने परिवार में अलौकिक चीजों को देख रहा हूँ, प्रभु कलीसिया में अलौकिक चीजों को देख रहा हूँ. आई एम सीइंग इट. मैं उसे, परमेश्वर ने मुझसे वो कहा और हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम उस पर विश्वास करें और उससे बोलें, डू यू रियली बिलीव इट. तो फिर आप उसके बारे में बोलेंगे, आप उसके बारे में प्रार्थना करेंगे, आप वो चीज के बारे में अपेक्षा करेंगे. यू विल एक्सपेक्ट इट. प्रेज गॉड. तो परमेश्वर के दास का एक भाग है आपको बताना कि प्रभु क्या बोल रहा है कलीसिया के लिए. फिर हमारा एक भाग है कि हम उसे सुनकर, उस पर विश्वास करके उसकी अपेक्षा करते हैं. प्रेज गॉड. तो परमेश्वर का दास बोल सकता है, लेकिन अगर विश्वासी कुछ कर नहीं रहे हैं, कोई रेस्पॉन्स नहीं है, तो अलौकिक चीज हम कुछ भी नहीं देखेंगे. वी वोंट बी एबल टू सी एनीथिंग. प्रेज गॉड. क्योंकि दोनों तरफ हमें, परमेश्वर के दास का एक काम है, विश्वासियों का काम है, दोनों अपना काम करेंगे, अलौकिक चीजों को हम देखेंगे. सो आई एम स्पेंडिंग टाइम अंगीकार में और प्रार्थना में, और मैं आपको भी एनकरेज करता हूँ कि आप भी समय बिताइए, स्पेंड टाइम, टॉक अबाउट सुपरनेचुरल थिंग्स. प्रेज गॉड. क्योंकि आप अपेक्षा कर रहे हैं. प्रेज गॉड. ओके, नाउ अलौकिक क्षमता, सुपरनेचुरल एबिलिटी. प्रेज गॉड. अलौकिक क्षमता, इस वचन को देखिए जो मैंने पहले भी, लास्ट संडे भी, ये संडे को भी आपको बताया था. अलौकिक चीज क्या है? ऐसा कुछ जो प्रकृति के नियमों के परे है. जैसे हम बोल रहे थे कि यीशु मसीह पानी पर चला, पानी पर आप नहीं चल सकते हैं, लेकिन यीशु चला, वो प्रकृति के नियम
के परे है, के ऊपर है, लॉ ऑफ ग्रेविटी के अनुसार आप पानी में नहीं चल सकते हैं। लेकिन अलौकिक मतलब ऐसा कुछ दैट ट्रांसेंड्स द लॉज ऑफ नेचर, जो प्रकृति के नियम के परे हो। दूसरा मैंने आपसे कहा अलौकिक का मतलब है समथिंग दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय साइंस, कुछ ऐसा जो विज्ञान द्वारा द्वारा समझाया नहीं जा सकता, मतलब आप उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। प्रेज गॉड, आप एक्सप्लेन करने मतलब, और विज्ञान साइंस का मतलब है नॉलेज, साइंस एक्चुअली मीन्स नॉलेज, और वो नॉलेज जो है वो सेंस नॉलेज है। प्रेज गॉड, जो आप देखेंगे आप विश्वास करेंगे, जो आप छुएंगे आप विश्वास करेंगे, मतलब साइंस इज लिमिटेड टू सेंसेस, विज्ञान जो है वो ज्ञान इंद्रियों तक सीमित है, लेकिन ज्ञान इंद्रियों के बाहर अगर कुछ है तो साइंस उस पर विश्वास नहीं करेगा। प्रेज गॉड, और वो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि साइंस डिस्कवर करते रहेगा और जितना डिस्कवर करते रहेगा उतना कंक्लूजन बदलते रहेगा। साइंस पहले डिस्कवर कर रहा था कि हम बंदर से आए हैं, फिर जैसे डिस्कवरी बढ़ते गया फिर बोलते हैं हम मच्छी से आए हैं, फिर अभी पता नहीं कहाँ कहाँ से हम आए हैं, बिकॉज आप डिस्कवर करते जा रहे हैं और यूनिवर्स इतना बड़ा है। प्रेज गॉड, अभी भी मल्टीप्लाई हो रहा है यूनिवर्स। आप कितने डिस्कवर, यू हैव टू टेक गॉड एट हिज वर्ड, आप कभी भी परमेश्वर के वचन को साइंस के आगे नहीं डाल सकते हैं, साइंस हमेशा परमेश्वर के वचन के पीछे चलना चाहिए। प्रेज गॉड, तो साइंस को डायरेक्शन मिल जाता है, नॉलेज को डायरेक्शन मिल जाता है कि कहाँ पर, क्योंकि अगर साइंस को परमेश्वर के वचन के पीछे रखा जाए तो साइंस परमेश्वर के वचन की खूबसूरती को बता सकता है, लेकिन अगर वचन के आगे चले जाए तो वो मूर्खता का कारण होगा। प्रेज गॉड, तो अलौकिक चीज ऐसा कुछ है जो विज्ञान द्वारा समझाया नहीं जा सकता, समथिंग दैट कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय साइंस। और तीसरा मैंने आपसे कहा अलौकिक का मतलब है समथिंग दैट एक्सीड्स द नॉर्मल एंड इट्स बियॉन्ड द ऑर्डिनरी, सामान्य से अधिक, सामान्य से परे, मतलब ऐसा कुछ आपके जीवन में प्रभु करेगा और करने वाला है जो प्रकृति के नियमों के परे है। दाक्रस, अच्छा दाक्रस बनाने के लिए 10 से 15 से 20 साल लगते हैं, जितना ज्यादा आप रखेंगे उतना बेहतर होगा दाक्रस, लेकिन यीशु मसीह ने 15 मिनट के अंदर परमेश्वर ने दे दिया वो चीज। अलौकिक बातें, विज्ञान उसको समझा नहीं सकता, विज्ञान उसे बता नहीं सकता, सामान्य से अधिक, सामान्य से परे। प्रेज गॉड, दैट इज व्हाट सुपर नेचुरल इज। तो हम अपेक्षा कर रहे हैं प्रभु से कि प्रभु आप हमारे जीवन में ऐसा कुछ कर रहे हैं जिसको विज्ञान समझा नहीं सकता, जो प्रकृति के नियमों के परे है, जो सामान्य से अधिक है। हम ऐसे बातों की अपेक्षा कर रहे हैं। प्रेज गॉड, हम ऐसे बातों की अपेक्षा कर रहे हैं, वी आर एक्सपेक्टिंग, और आप अपने मुंह से बोल रहे हैं। परमेश्वर के दास ने आपको एक वचन दिया है, एक शब्द दिया है, इन चीजों का विश्वास कर रहे हैं, उनको आप बोल रहे हैं, यू आर सेइंग इट आउट। प्रेज गॉड, तभी परमेश्वर आपके जीवन में चीजों को करता है, बिकॉज सब कुछ वर्क्स बाय फेथ, सब कुछ विश्वास से काम करता है। तो जब आप खाना खाने के लिए बैठे, या सुबह की प्रार्थना हो, या दोपहर की प्रार्थना हो, या रात की प्रार्थना हो, ये महीना पूरा अलौकिक शब्द को छोड़िए मत। दैट शोज कि आप सच में विश्वास करते हैं। और वचन में लिखा है कि भविष्यवक्ताओं पर विश्वास करो तो कृतार्थ हो जाओगे। प्रेज़ गॉड, अपने आप कृतार्थ नहीं होंगे, परमेश्वर के दास के शब्दों पर विश्वास करने से हम कृतार्थ हो जाएंगे। दैट्स द वर्ड ऑफ गॉड। प्रेज़ गॉड, नो मोर आर्ग्यूमेंट्स, दैट्स द वर्ड ऑफ गॉड, आमेन। नाउ कुछ वचनों को देखिए अलौकिक क्षमता के विषय में। ओके, नाउ उत्पत्ति 2:19, उसमें लिखा है कि यहोवा परमेश्वर भूमि में सब जाति के बनेले पशुओं और आकाश के सब भांति के पक्षियों को रचकर आदम के पास ले आया कि देखें कि वह उनका क्या क्या नाम रखता है, और जिस जिस जीवित प्राणी को जो जो नाम आदम ने रखा वही उसका नाम हो गया। अमेजिंग, प्रेज गॉड। ओके, वर्स नंबर 20, सो आदम ने सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश के पक्षियों, इसको ध्यान से सुनिए, आदम ने सब जाति, सब जाति के घरेलू पशुओं और आकाश की पक्षियां, मतलब सारी पक्षियां, ओके, और सब जाति के बनेले पशुओं के नाम रखे, परंतु आदम के लिए कोई ऐसा सहायक न मिला जो उससे मेल खा सके। कैन यू सी व्हाट एडम हैज डन?
प्रेज गॉड, जैसे मैं प्रार्थना कर रहा था पिछले हफ्ते, तब ये मेरे मन में प्रभु ने आया कि प्रभु ने ये वचन, दिस इज द वर्स जिसके थ्रू आज का बाइबल स्टडी हो रहा है, कि आदम ने सारे जाति के घरेलू पशुओं, आकाश के पक्षियों, सबके नाम को आदम ने रखा. दिस इज नॉट नॉर्मल. प्रेज गॉड. आप 10-15 जानवरों की बात नहीं कर रहे हैं, आप सारे पशुओं की बात कर रहे हैं, सारे पक्षियों की बात कर रहे हैं, बनेले पशु, घरेलू पशु, इन सबको आप नाम दे रहे हैं और किसी का नाम आप रिपीट भी नहीं कर रहे हैं. प्रेज गॉड. आप सबको वो परमेश्वर है, जानवरों को, ये पक्षियों को आपके सामने लेकर आ रहा है, और आपके पास ऐसी क्षमता है, ऐसा अबिलिटी है, ऐसा अलौकिक क्षमता है कि आप इन जानवरों को नाम दे पा रहे हैं और किसी का नाम आप रिपीट नहीं कर रहे हैं, और सब जातियों का, सब घरेलू पशुओं, सब बनेले पशुओं और सब पक्षियों का नाम देने की क्षमता. सोचिए, आपके सामने 15-20 जानवर आते हैं और उनको नाम देना है, और यहां पर आदम इतने सारे जानवरों को और पक्षियों को नाम, दिस इज नॉट नॉर्मल. ये चीजें नॉर्मल नहीं है. एक दो को नाम देना क्या है, तो हमने सोच के कुछ दे दिया. सब घरेलू पशुओं, सब बनेले पशुओं, सब पक्षियों को नाम देना, डू यू थिंक इट्स इजी? इट्स नॉट इजी, इट्स नॉट नॉर्मल. ये नॉर्मल नहीं है प्रेज़ गॉड, क्योंकि वो एक ऐसी क्षमता है, इट इज सुपर नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग लाइक दिस. और हम एक ऐसे व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो कभी स्कूल नहीं गया, इज नेवर बिन टू स्कूल, वो कभी कॉलेज से ग्रेजुएट नहीं हुआ है, उसने कोई पीएचडी नहीं किया है, और ये व्यक्ति, क्योंकि आप पढ़ाई करते हैं, क्योंकि आपका माइंड डेवलप हो, प्रेज गॉड, ये व्यक्ति, इसकी क्षमता देखिए कि पूरे जानवरों को नाम दे रहा है, हो इज गिविंग नेम टू ऑल द कैटल्स और एवरी बीस्ट, एवरी बर्ड. दिस इज ह्यूज, ये दिस इज ह्यूज. घरेलू पशुओं, बनेले पशुओं और आकाश के पक्षियों को वो नाम दे रहा है. प्रेज गॉड. सुपर नेचुरल एबिलिटी. प्रेज गॉड. कुछ करने के समय में परमेश्वर की ताकत, परमेश्वर की क्षमता. और जब आप इन चीजों के बारे में सोचने लगेंगे कि ये पढ़ा लिखा नहीं था, ना ही कोई स्कूल में गया, ना ही कोई कॉलेज में गया, और ये सब जानवरों के, पक्षियों के, इन सबको नाम दे रहा है, माय गुडनेस, हाउ हाउ व्हाट एन एबिलिटी, व्हाट अ माइंडसेट, क्या कैपेसिटी होगा उसका, इन सब सबको नाम देने का, नाम देने की क्षमता, और किसी के भी नाम को रिपीट नहीं कर रहा है, सबको नाम दे दिया. दैट इज सुपरनैचुरल एबिलिटी. प्रेज गॉड. ओके, कुछ और एग्जांपल देखेंगे. पहला राजा 18, उसका 41. हम अलौकिक चीजों के बारे में बात कर रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि जो आदम के साथ हुआ, आप अपेक्षा करें कि जो भी आपका काम है, जहां पर भी प्रभु ने आपको रखा है, चाहे आप सेवकाई में हो या बिजनेस में हो या काम में हो, आप अपेक्षा करें कि प्रभु वही अलौकिक क्षमता जो आदम में काम करती थी, वो आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो मेरे में काम कर रही है, आई एम बिलीविंग फॉर दैट. प्रेज गॉड. अपने आप नहीं होगा, इट वर्क्स बाय फेथ. और विश्वास का है कि आत्मा में विश्वास करो, अपने मुंह से बोलो कि वो हो रहा है, अलौकिक क्षमता मुझ में काम कर रही है यीशु के नाम से. प्रेज गॉड. आमेन. पहला राजा 18 उसके 41 में लिखा है, फिर एलिया ने अहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है. ये 3 साल के अकाल के बाद है, सोचिए. फिर एलिया ने अहाब से कहा, क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने एलिया से कहा कि तुम अहाब के पास जाओ और उसे कहो कि बारिश आने वाला है. तो एलिया, जो परमेश्वर का दास है, उसने अहाब से कहा, उठकर खा पी. फेथ एक्शंस प्रवोक डिवाइन इंटरवेंशंस. फिर एलिया ने अहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है. एटमोस्फेयर में ऐसा कुछ नहीं था जिसे देखकर आप बोल सकते हैं कि बारिश होने वाला है, लेकिन इनके फेथ एक्शंस ने इट प्रवोक डिवाइन इंटरवेंशन. प्रेज गॉड. ओके, नेक्स्ट वर्स 42. तब अहाब खाने पीने चला गया और एलिया कारमेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपनी अपना मुंह घुटने के बीच किया. वेरी इंटरेस्टिंग. 43. और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि कर देख. तब उसने चढ़कर देखा और लौट कर कहा,
कुछ नहीं दिखता। एलिया ने कहा, फिर सेवन टाइम्स, सात बार जा। एलिया परमेश्वर का दास प्रार्थना कर रहा है कि उसको वचन मिला है और वो प्रार्थना कर रहा है और वो व्यक्ति को बोल रहा है कि सात बार जा, छह बार जाके आया कुछ नहीं देखा, बोल रहा है वापिस जाओ। प्रेज गॉड, क्या भरोसा है परमेश्वर के वचन पे। जानते हैं कि परमेश्वर ने कहा है तो परमेश्वर करेगा। आमेन। ओके 44, सातवीं बार उसने कहा, देख समुद्र में से मनुष्य का हाथ सा एक छोटा बादल उठ रहा है। इलिया ने कहा, आहाब के पास जाकर कह कि रथ जुतवा कर नीचे जा, कहीं ऐसा ना हो कि तू वर्षा के कारण रुक जाए। अभी कुछ बातें हैं मैं आपको बताना चाहता हूं। देखिए परमेश्वर ने एलिया से कहा कि तुम जाके अहाब से कहो कि मैं बारिश भेजने वाला हूं। प्रेज गॉड। तो एलिया को कहना चाहिए था कि प्रभु आप बारिश भेजने वाले हैं तो भेज दीजिए। जैसे परमेश्वर ने कहा कि आज ये महीना अलौकिक का महीना है, अच्छा प्रभु अलौकिक का महीना है तो होने दो। नहीं, उसने परमेश्वर के वचन को लेके ही स्टार्टेड प्रेइंग इट आउट। वो वचन को लेकर वो दुआ कर रहा है, वो वचन के ऊपर उसने पकड़ लिया, वो वचन को लेकर वो उसके ऊपर प्रार्थना कर रहा है, अपने विश्वास को आजाद कर रहा है, वो विश्वास कर रहा है, अंगीकार कर रहा है, अपेक्षा कर रहा है, और तब जाके धरती में वर्षा शुरू हुई, तब जाके उस जगह में बादल उठा। तो कई बार विश्वासी जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं वो सोच रहे हैं कि परमेश्वर अपने आप करेगा, और परमेश्वर अपने आप नहीं करने वाला है। परमेश्वर हमें वचन इसीलिए देता है ताकि उस वचन को लेकर हम अपने विश्वास को आजाद करें, और परमेश्वर हमारे विश्वास को प्रत्युत्तर देगा और जो उसने कहा है वो उसे पूरा करेगा। Can you say amen? Praise God. जो उसने कहा है वो उसे पूरा करेगा। जब हम विश्वास से जो उसने कहा है उसको लेते हैं, प्रार्थना करते हैं, अपेक्षा करते हैं, और जो उसने कहा है वो उसे करेगा। सी गॉड, परमेश्वर ने हमसे कहा है कि ये महीना अलौकिक का महीना है। यू टेक दैट वर्ड, उस वचन को आप ले लीजिए कि मानो वो आपका जीवन है, और उस वचन पर आप विश्वास कीजिए, उस पर आप काम कीजिए, उस पर आप अंगीकार कीजिए, उसकी अपेक्षा करें, एंड सुपरनैचुरल थिंग्स विल बिगिन टू हैपन इन योर लाइफ। प्रेज गॉड। ऐसा नहीं कि पास्टर ने बोला है तो अपने आप होगा, नहीं होने वाला है। यू हैव टू टेक इट, यू हैव टू टेक इट। प्रेज गॉड। उसे हमें लेना है, उसके ऊपर खड़े रहना है, विश्वास करना है, एंड गॉड विल बिगिन टू डू आउटस्टैंडिंग थिंग्स। प्रेज गॉड। और ये महीना आई विल शो यू डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सुपरनैचुरल लाइफ का, ताकि आप अलग अलग चीजों के लिए आप अपेक्षा करें। प्रेज गॉड। एनीवेज, तो एलिया ने वचन को लेकर, देखिए वो वचन पे प्रार्थना कर रहा है, उसने ऐसा नहीं कहा कि प्रभु ने कहा है तो प्रभु करेगा छोड़ो, नहीं, उसने उस वचन को लेकर उसने विश्वास के कदम को बढ़ाया। उसने एलिया से कहा, आहाब से कहा खाओ पियो, और फिर कहा कि रथ में बैठकर, चैरियट मतलब घोड़ों का जो रथ होता है उसमें बैठकर तुम ये जेजरील में जाओ। दीज आर ऑल फेथ एक्शंस। बिना कुछ बारिश के कुछ लक्षण देखकर उसे कहा। प्रेज गॉड। ओके आगे पढ़ेंगे 45, थोड़ी ही देर में आकाश वायु से उड़ाई हुई घटाओं और आंधी से काला हो गया, और भारी वर्षा होने लगी, और आहाब सवार होकर यज्रील को चला। अभी ध्यान से सुनिए, जैसे मैं स्टडी कर रहा था, ये जो जगह है माउंट कार्मेल, ये पहाड़ कार्मेल से लेके यह इज़रील या जेज़रील इंग्लिश में बोलते हैं, वो करीबन 30 माइल्स हैं, करीबन बोलिए 20-30 से 40 किलोमीटर्स हैं। ओके 30 से 40 किलोमीटर्स, और यहाँ पर आहाब अपने रथ में, अभी वो राजा है इज़राइल का, उसके रथ में घोड़े सबसे बेस्ट होंगे, और वो अपने रथ में बैठकर वो यज़रील की तरफ जा रहा है। प्रेज़ गॉड। उसके पीछे देखिए कुछ अलौकिक चीज हुआ। 46, तब यहोवा की शक्ति एलिया पर ऐसी हुई कि वो कमर बांध कर आहाब के आगे 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 यज्रील तक दौड़ता चला गया। कैन यू इमेजिन क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पर एक व्यक्ति, ये घोड़े में नहीं है, ये रथ में नहीं है, ये पैरों से भाग रहा है, और दूसरा व्यक्ति आहाब, ये इज़राइल के सबसे बेहतर घोड़ों के रथ में है,
ये यज़रील पहुंचने से पहले ये व्यक्ति अपने पैर से भागकर ये इनके पहले यज़रील में पहुंच गया। दिस इज सुपर नेचुरल एबिलिटी, उसे बोल्ड भी नहीं कर सकता ये चीज को। प्रेज गॉड, दिस इज सुपर नेचुरल एबिलिटी, अलौकिक क्षमता है कि आप घोड़े को आउटरन करके, मतलब घोड़ा पहले निकल गया है और आप उनके पीछे से उनको ओवरटेक करके उनके पहले आप यज़रील में घुस जाते हैं। ये परमेश्वर की, दिस इज द पावर ऑफ द ऑलमाइटी गॉड। आप कर नहीं पाएंगे, इंसान इस चीज को कर नहीं सकता, ह्यूमन एबिलिटी कैन नॉट डू इट। प्रेज गॉड, ये अलौकिक चीजें हैं। राजा कौन से घोड़े को इस्तेमाल करेगा? कमजोर घोड़े के लिए द किंग, राजा सबसे बेस्ट घोड़े को इस्तेमाल करेगा। और यहां पर एक व्यक्ति पैर में भागकर परमेश्वर की सामर्थ से उन घोड़ों को आउटरन करके पहले जजरील पहुंच जाता है। दिस इज सुपरनैचुरल, ये अलौकिक चीजें हैं। प्रेज गॉड, आमेन। सो पॉइंट नंबर वन, व्हाट इज सुपरनैचुरल एबिलिटी? गॉड्स एबिलिटी इन मैन इज सुपरनैचुरल एबिलिटी। मनुष्य में परमेश्वर की क्षमता अलौकिक क्षमता है। प्रेज गॉड, मनुष्य में मतलब एक विश्वासी में, जैसे आप देख रहे हैं, हमने देखा कि आदम ने सारे जानवरों को नाम दे दिया और उसके माइंड में थोड़ा सा भी स्ट्रेस नहीं। प्रेज गॉड, जैसे हम 15-20 को नाम देखते हैं, नाम देंगे सरदर्स 15-20 और 50 जानवर हो गए तो योर हेड विल स्टार्ट पेनिंग, ओ माय गुडनेस कौन सा नाम। तो आप बोलेंगे टाइगर, नहीं टाइगर हो गया, अच्छा, लायन, लायन भी हो गया, कितना, 5 आदमियों को लायन नाम दे दिया 5 आदमियों को लायन नाम दे दिया। सो मच स्ट्रेस ऑन योर माइंड। मतलब ये अबिलिटी कि एक व्यक्ति घोड़ों से तेज भागता है, पूरे जानवरों का नाम रख देता है, दिस इज गॉड्स एबिलिटी इन मैन। आमीन। मनुष्य में परमेश्वर की क्षमता, गॉड्स एबिलिटी, सिर्फ परमेश्वर ऐसा कर सकता है, ओनली गॉड कैन डू। आपको पता है ये तारे जो करोड़ों करोड़ों की तादाद में, जो विज्ञान साइंटिस्ट ने ढूंढ कर निकाले हैं, करोड़ों की तादाद में, लेकिन उतने नहीं है, उससे कई ज्यादा है, लेकिन उन्होंने सिर्फ उतना ढूंढ के निकाला अब तक। परमेश्वर का वचन बोलता है कि हर एक तारे को वो अपने नाम से बुलाता है, हर एक तारे को वो अपने नाम से बुलाता है, और किसी भी तारे का नाम एक दूसरे से मिलता जुलता नहीं है, सेम नहीं है। प्रेज गॉड, क्या आप देख सकते हैं परमेश्वर की कैपेसिटी? कैन यू सी द एबिलिटी ऑफ गॉड टू नेम बिलियंस अपॉन ट्रिलियंस ऑफ स्टार्स एंड नो टू स्टार्स हैव द सेम नेम। ये परमेश्वर की क्षमता है, दिस इज ट्रेमेंडस एबिलिटी ऑफ गॉड। और मेरा ये मानना है, दिस इज माई ऑब्जर्वेशन, कि जब परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि इब्राहिम तारों की तरफ देखो, वो सिर्फ इस मकसद से नहीं था कि तुम्हारे बच्चे उतने होंगे, दैट इज वॉट गॉड सेड, लेकिन वो प्रतिज्ञा का मकसद कुछ और था। क्योंकि जब वो तारों को देखता एंड एज ही मेडिटेटेड ऑन दैट वर्स, तारों को देखता, उसका मकसद था कि वो परमेश्वर की क्षमता को वो देखें, दैट ही सीज। ऑल्दो वो पिक्चर था कि तुम्हारे बच्चे इतने होंगे, लेकिन उस पिक्चर में एक और पिक्चर था कि परमेश्वर की क्षमता को देखो, ये तारों को प्रभु ने बनाया है और हर एक करोड़ों करोड़ों की तादाद में जो तारे हैं, सबको प्रभु नाम से बुलाता है, किसी का नाम वो भूलता नहीं है, और हर एक तारे का नाम अलग है, किसी का सेम नाम नहीं है, और हर एक तारे को अपने नाम से बुलाता है। प्लीज, दिस इज, मतलब कैसे आप अपने माइंड में ये चीजों को ग्रास्प कर सकते हैं? दिस इज सुपर नेचुरल। आमेन। तो अलौकिक क्षमता ये, और वही चीज देखिए परमेश्वर ने आदम में देखा कि आदम अभी वही चीज कर रहा है जो परमेश्वर कर रहा है। परमेश्वर तारों को नाम दे रहा है, यहां पर आदम जानवरों को नाम दे रहा है। प्रेज गॉड, गॉड्स एबिलिटी इन मैन, मनुष्य में परमेश्वर की क्षमता, अलौकिक क्षमता। प्रेज गॉड। ओके, कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, आप इसे ध्यान से देखिए, इट्स 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 वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। प्रेज गॉड, न्यायियों के 15:14 में लिखा है समथिंग ब्यूटिफुल। इट सेज, वह लही तक आ गया, शमशोन के बारे में है, वह लही तक आ गया था और पलिश्ती उसको देखकर ललकारने लगे। तब यहोवा की आत्मा उस पर बल से उतरा और उसकी बाहों की रस्सियां आग में जले हुए
सन के समान हो गई और उसके हाथों के बंधन मानो गल कर टूट पड़े। ओके नेक्स्ट वर्स। तब उसको गधे के जबड़े की एक नई हड्डी मिली, गधे की जबड़े की एक नई हड्डी मिली और उसने हाथ बढ़ा उसे लेकर 1,000 पुरुषों को मार डाला। माय गुडनेस, प्रेज गॉड। उसने गधे के जबड़े को लिया और उसने 1,000 पुरुषों को मार डाला। 1,000 पीपल गधे के जबड़े को लेकर, प्रेज गॉड। दिस इज नॉट नॉर्मल, दिस इज नॉट ह्यूमन। और कई बार हम सैमसन का जब मूवी देखते हैं तो मूवी में बताया गया कि सैमसन एकदम बिल्डर है, उसके बड़े बड़े मसल्स है। दैट्स नॉट ट्रू एक्चुअली। सैमसन वाज अ वेरी सिंपल गाय। इसलिए लोग ढूंढने का कोशिश कर रहे थे कि इसमें इतना शक्तिशाली कैसा है। इसलिए उन्होंने दलाइला को भेजा क्योंकि वो शरीर को देखकर वो समझ नहीं पा रहे थे कि इस व्यक्ति में इतनी ताकत कैसे हो सकती है। इसीलिए वो ढूंढने का कोशिश कर रहे थे कि इसका सीक्रेट क्या है। इसलिए उन्होंने दलाइला को भेजा। प्रेज गॉड। इसकी ताकत देखिए कि गधे के जबड़े को लेकर वो एक व्यक्ति को नहीं मारता है। एक व्यक्ति स्वाभाविक है, कोई भी हजार लोगों को मारना एक समय में, गधे के जबड़े को लेकर 1,000 पुरुषों को मारना, दिस इज सुपरनेचुरल। ये मनुष्य की ताकत नहीं है। आमेन। गधे का जबड़ा देखिए क्या है। दिस इज द जॉ बोन ऑफ अ डोंकी। ये एक गधे का जबड़ा है और इस जबड़े से शमशोन ने 1,000 फिलिस्तियों को मार दिया। इस जबड़े से आप सोच के देखिए, वो भी एक ही साइड का पीस रहेगा। प्रेज गॉड। इस जबड़े से उसने 1,000, कैन यू इमेजिन 1,000। हम एक की बात नहीं कर रहे हैं, 10 की बात नहीं कर रहे हैं, हम 100 की बात नहीं कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट 1,000 फिलिस्तीन्स। 1,000 फिलिस्तियों को शमशोन ने एक गधे के जबड़े से 1,000 लोगों को मारा। दैट इज नॉट नॉर्मल। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। दैट इज नॉट नॉर्मल। ये चीजें सामान्य नहीं है। ये प्रकृति के नियम के परे है, विज्ञान इसको समझा नहीं सकता। ये सामान्य के ऊपर, एक जबड़े से उसने 1,000 लोगों को एक साथ मार दिया इन वन टाइम। प्रेज गॉड। दैट इज गॉड्स एबिलिटी इन मैन, परमेश्वर की क्षमता व्यक्ति में। प्रेज गॉड। अभी हम जबड़ा ले किसी को मारते नहीं है, हम नए नियम में है। प्रेज गॉड। बट मैं बता रहा हूं आपको कि परमेश्वर की क्षमता, क्योंकि हमारा परमेश्वर बदला नहीं है, वो आज कल और युगानुयुग एक समान है। आमेन। ओके, आगे कुछ वचनों को देखेंगे। मत्ती 14 उसके 29 में लिखा है, उसने कहा आ, तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। डू यू थिंक दिस इज नेचुरल? इट्स नॉट। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु के पास जाने को पानी पर चलने लगा। वो पानी पर चलने लगा, पतरस पानी पर चलने लगा। प्लीज म्यूट योरसेल्फ। उसने कहा आ, तब पतरस नाव पर से उतरकर, वो नाव से उतरा। प्रेज गॉड। अगर हमें कुछ अलौकिक चीजों को करना है, जो पोस्ट किया था मैंने आज ग्रुप में, मैंने आपसे कहा कि आप अगर आप कुछ अलौकिक चीजों को करना चाहते हैं तो आपको नाव से, अपने कंफर्ट जोन से आपको बाहर आना होगा। प्रेज गॉड। सब कंफर्टेबल है, पानी में बैठना सब कंफर्टेबल है, नाव में बैठना बहुत कंफर्टेबल है, लेकिन अगर आप पानी में चलना चाहते हैं, अलौकिक चीजों को देखना चाहते हैं, तो नाव से बाहर आना होगा। यू गॉट टू डू समथिंग समथिंग डिफरेंट। प्रेज गॉड। कंफर्ट जोन से थोड़ा बाहर निकलना होगा। और अक्सर क्या करते हैं लोग, और इसमें कई बार विश्वासी भी हैं, कोई व्यक्ति अगर पानी में चलने का कोशिश करता है तो उसके खिलाफ वो जलन या एनवियस हो जाते हैं कि देखो वो क्यों पानी में चल रहा है। आप खुद तो नहीं चल रहे हैं लोग, लेकिन जो दूसरे लोग चल रहे हैं उनको भी दबाने का कोशिश। प्रेज गॉड। बट सी, हम लोग क्या सोचते हैं या लोगों के मन में क्या चल रहा है वो सब हम साइड में रख के हम अलौकिक जीवन जीना चाहते हैं। वी वॉन्ट टू लिव सुपरनेचुरल। और उसके लिए हमें बोट के बाहर जाने के लिए भी हम तैयार हैं, हमारे कंफर्ट जोन के बाहर निकलने के लिए भी हम तैयार हैं। प्रेज गॉड। हम जानते हैं कि यीशु पानी पर चला, यहाँ पर लिखा है कि पतरस पानी में चल रहा है, मतलब अलौकिक जीवन। प्रभु चाहता है कि हम सब अलौकिक जीवन जिए। प्रेज गॉड। पतरस पानी में चला और हम जानते हैं कि वो चीज अलौकिक है। अगर स्वाभाविक होता तो हम में से सब, आज हम सब जा सकते हैं,
सामने किधर नदी है और हम सब अगर सामान्य चीज है तो हम सब कर सकते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि सब नहीं कर पाएंगे ये चीज को। ये अलौकिक चीजें हैं और सिर्फ आप परमेश्वर की क्षमता से ही आप कर सकते हैं। प्रेज़ गॉड। नाउ पौलुस के विषय में देखिए, पौलुस पहला कुरिन्थी 15 उसके 10 में पौलुस ने कहा, परंतु मैं जो कुछ भी हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं, और उसका अनुग्रह जो मुझ पर हुआ वह व्यर्थ नहीं हुआ, परंतु मैंने सबसे बढ़कर परिश्रम भी किया, तो भी यह मेरी ओर से नहीं हुआ परंतु परमेश्वर के अनुग्रह से जो मुझ पर था। उसने ये नहीं कहा कि देखो अनुग्रह मेरे पर इतना था कि मैं 5 घंटा सोता था, अभी मैं 15 घंटा सोने लगा हूं, प्रभु को धन्यवाद अनुग्रह से कितना आशीष मिला मुझे, मैं 2 घंटा सोता था पहले अनुग्रह आया अभी मैं 20 घंटा सोता हूं। नहीं, सी ग्रेस डज नॉट मेक यू पैसिव, अनुग्रह आपको आलसी नहीं बनाता है। नहीं, नहीं, कुछ लोग बोलते हैं कि परमेश्वर ने हमें सब कुछ कर दिया है, सब कुछ हो गया है, हमें एकदम आलसी बने रहना है, कुछ नहीं करना है। नहीं, जिसने अनुग्रह का सुसमाचार बताया वो बोल रहा है कि सब प्रेरितों से ज्यादा मैंने परिश्रम किया है, बिकॉज ग्रेस मेक्स यू एक्टिव। प्रेज गॉड, इट मेक्स यू एक्टिव। परमेश्वर की क्षमता आप में आजाद हो जाती है, एंड यू डू मोर देन व्हाट ह्यूमंस कैन डू। प्रेज गॉड, अनुग्रह आपको आलसी या सुस्ती नहीं बनाता है, मतलब अनुग्रह का फिर गलत शिक्षा है आपके पास। यहां पर एक व्यक्ति जिसने अनुग्रह का प्रकाशन जिसके ऊपर यीशु ने आजाद किया, वो बोल रहा है कि मैंने दूसरे प्रेरितों से ज्यादा और बढ़कर परिश्रम किया है, प्रेज गॉड, तो भी मेरी ओर से नहीं परंतु परमेश्वर का अनुग्रह, मतलब परमेश्वर की क्षमता मेरे ऊपर थी, परमेश्वर की क्षमता मेरे अंदर है, इसलिए मैंने दूसरों से ज्यादा मेहनत किया, दूसरों से ज्यादा मैं परिश्रम करने लगा, क्योंकि वो अलौकिक क्षमता मेरे अंदर काम करने लगी। प्रेज गॉड, सो ग्रेस मेक्स यू एक्टिव। प्रेज गॉड, मैंने आपसे कहा है कि हम सब कुछ प्रभु ने हमारे लिए कर दिया है, सब कुछ हमारे लिए तैयार है, हमारा एक फोकस है परमेश्वर के राज को बढ़ाना, और उसकी क्षमता है हमारे पास कि हमें उस असाइनमेंट्स में काम करना है। प्रेज गॉड, हमारा मोटिवेशन पैसा नहीं हो सकता, इट कांट बी मनी, हमारा मोटिवेशन ये शारीरिक चीजें नहीं हो सकती हैं, आवर मोटिवेशन परमेश्वर का राज है, हमारा मोटिवेशन वो असाइनमेंट है जो प्रभु ने हमें दिया है। प्रेज गॉड, लोगों के लिए, लोगों की सेवा करना, वो हमारा मोटिवेशन है, एंड गॉड विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट। लेकिन ये व्यक्ति बोल रहा है यहाँ पर कि मैंने उन सबसे बढ़कर अनुग्रह का सुसमाचार को मानव जाति पर प्रकट करने वाला व्यक्ति, वो बोल रहा है कि मैं सबसे बढ़कर मैंने परिश्रम किया। जो लोग ग्रेस का प्रचार करते हैं या जो लोग ग्रेस पर विश्वास करते हैं, अगर सही तरीके से विश्वास करते हैं, दे विल बी वर्कर्स, वो काम करते हैं। प्रेज गॉड, दे वर्क। Praise God. वो दे नॉट लेजी पीपल, वो आलसी लोग नहीं है, दे वर्क। Praise God. They are active people. Amen. क्योंकि अनुग्रह मतलब परमेश्वर की क्षमता है, जिसे आप मानव से ज्यादा, यू कैन डू मोर देन व्हाट ह्यूमंस कैन डू, जो मनुष्य कर सकता है, जो मानव जाति कर सकते, उसे कई ज्यादा आप कर पाते हैं, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर की क्षमता है। Praise God. Okay. Now see this, Paulus बोल रहा है कोलोसी 1:29 में, उसने कहा कि और इसी के लिए मैं उसके उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है, तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूं। मतलब वो बोल रहा है कि देखिए, और अगर हम इसे दूसरे versions में पढ़े हैं तो Paulus बोलता है कि I work according to the superhuman energy that works in me. मैं उस अलौकिक शक्ति जो मेरे अंदर काम करता है, उस अलौकिक शक्ति से मैं परिश्रम करता हूं। प्रेज गॉड, मतलब वो अलौकिक शक्ति उसको दिया गया है ताकि वो उससे काम कर सके, उससे वो और ज्यादा कर सके, क्योंकि हमारे मानव शक्ति में हम ज्यादा नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब परमेश्वर की शक्ति हमारे ऊपर आ जाती है, वी बिकम सो एक्टिव। प्रेज गॉड, और इसी के लिए मैं उसकी शक्ति, उसकी अलौकिक शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ्य के साथ प्रभाव डालती है, मतलब उसकी शक्ति मेरे अंदर काम करे, इट्स वर्किंग इन मी, इसीलिए मैं तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूं। हिज मोटिवेशन वाज नॉट मनी। पौलुस
का मोटिवेशन काम करने का पैसा नहीं था, उसका मोटिवेशन था आत्माएं, मुझे आत्माओं को जीतना है, मुझे उस दौड़ को पूरा करना है जो प्रभु ने मेरे सामने रखा है, मुझे अपने विश्वास को रखना है, दैट वॉज हिज मोटिवेशन। प्रेज गॉड, आजकल के जमाने में पूरा मोटिवेशन इज मनी एंड दैट इज अ रॉन्ग माइंडसेट। प्रेज गॉड, बिकॉज अगर आप इसी, आई एम टीचिंग अ लॉट ऑन प्रोस्पेरिटी, प्रोस्पेरिटी के विषय में मैं बहुत कुछ सिखा रहा हूँ, और इसीलिए सिखा रहा हूँ ताकि हमें पता चले कि विश्वास से पैसा कैसे आएगा, हाउ इट विल कम बाय फेथ। जहां तक हमारा काम और परिश्रम का सवाल है, वी आर डूइंग इट, हमारा उसका मोटिवेशन एकदम अलग है। प्रेज गॉड, और जब तक ये चीज, ये मोटिवेशन का बात आपके मन में स्थापित नहीं हो जाता, आप फाइनेंशियल स्ट्रगल के बाहर नहीं आ सकते हैं। Praise God, because prosperity is a mindset issue, poverty is a mindset issue. In fact, Miles Monroe को आप जानते हैं, who is in heaven today, बहुत गरीब व्यक्ति, बहुत गरीब परिवार में उनका जन्म हुआ, very poor. वो बोल रहे थे, उनका वीडियो में सुन रहा था, उन्होंने मतलब he was terribly poor, very poor, और उनके मम्मी और डैडी ने उनको वचन सिखाया। उन्होंने 6-7 बच्चे थे आई थिंक, या फिर उससे ज्यादा थे, उन्होंने सिखाया कि देखो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करो, यीशु पर विश्वास करना है। तो उन्होंने सुना, परमेश्वर के वचन को सुना, लेकिन जब वो 13 साल का हुआ, माइल्स मुनरो, उन्होंने स्वर्ग की तरफ उठकर देखा और उन्होंने परमेश्वर से सवाल पूछा, लिटिल चाइल्ड, उन्होंने कहा प्रभु हम यीशु पर विश्वास करते हैं, हम बाइबल पढ़ते हैं, हम गरीब क्यों हैं? Why are we poor? क्योंकि उन्होंने, आप जानते हैं, जैसे जैसे वो बाहर जाने लगे तो देखने लगे दूसरे लोगों को, और यहाँ पर विश्वासी है, वो सोचा है कि मैं विश्वासी हूँ, वचन को पढ़ता हूँ, यीशु पर विश्वास करता हूँ, हम जमीन पर, मतलब उनका घर इतना, मतलब जो वो बता रहे थे, टेरिबल टेरिबल कंडीशन, बहुत बहुत बुरी अवस्था में थे माइल्स मुनरो। और आप जानते हैं प्रभु ने उनसे कहा कुछ, उन्होंने प्रभु से पूछा कि हम गरीब क्यों है, वाई आर वी पुअर? प्रभु ने उनसे कहा, तुम गरीब इसीलिए हो तुम्हारे मन के कारण, इट्स बिकॉज ऑफ योर माइंड, इट्स बिकॉज ऑफ योर माइंड, तुम्हारे मन के कारण तुम गरीब हो, इट्स बिकॉज ऑफ योर माइंड। सो आप जानते हैं माइल्स मुनरो ने क्या किया, he started working on his mind. So आप हमेशा याद रखिए, that's what I'm doing. मैं प्रोस्पेरिटी के सेशंस को इतना क्यों, भले ही ऑपोजिशन कई बार ज्यादा हो जाता है प्रोस्पेरिटी, आई डोंट केयर, ओनली इसका ऑपोजिशन है, इट डजंट मैटर टू मी। प्रोस्पेरिटी इज नॉट अ मनी इश्यू, पॉवर्टी, गरीबी या प्रोस्पेरिटी पैसों की समस्या नहीं है, प्रोस्पेरिटी या गरीबी मानसिकता की समस्या है, इट्स अ माइंडसेट इश्यू। Praise God. और वही माइंडसेट पे शिक्षाओं के द्वारा वे ट्राइंग टू चेंज, कि पैसों को देखने का आपका और मेरा सोच जो है, दृष्टिकोण जो है, प्रस्पेक्टिव जो है, आउटलुक जो है पैसों के प्रति, वो बदले। Praise God. माइंडसेट चेंज हो जाएगा, सो आई बिलीव मनी विल फॉलो यू, पैसा आपके पीछे आएगा। कुछ गवाहियों को मैं शेयर करने वाला हूँ संडे को, यू विल बी सो ब्लेस्ड, यू विल सी हाउ मनी फॉलोज, कैसे पैसा पीछे पीछे आता है आपका। Praise God. और इसी के लिए मैं उसकी उस शक्ति के अनुसार जो मुझ में सामर्थ के साथ प्रभाव डालती है, तन मन लगाकर परिश्रम भी करता हूं। मतलब बोला कि मेरे अंदर कुछ शक्ति काम करती है, सुपर नेचुरल एनर्जी, और उस ताकत से मैं ऐसा काम करता हूं कि मानो जंगली घोड़ों से तेज भागता हूं, आई रन फास्टर देन हॉर्सेस, पूरे जानवरों को मैंने नाम रख दिया, क्योंकि कुछ कुछ सामर्थ मेरे अंदर काम कर रहा है। Praise God. So grace, अनुग्रह आपको सुस्ती या आलसी नहीं बनाता है, it makes you so active. Praise God. Amen. इसलिए जब आप सोते हैं, आप इसीलिए सोते हैं, इसीलिए नहीं सोते कि और कुछ नहीं है अभी करने के लिए, आप इसीलिए सोते हैं कि आप थक गए हैं, you're tired. You're so working. आप इतना काम कर रहे हैं। In fact, एक समय आता है कि आप सोते इसलिए नहीं है क्योंकि रात हो रहा है, या आप सोते इसीलिए नहीं है क्योंकि अभी टाइम हो गया है, आप सोते इसीलिए क्योंकि आप थक गए हैं, अदरवाइज यू डोंट स्लीप ऑन। प्रेज गॉड। ओके, नाउ नंबर टू, सुपरनैचुरल एबिलिटी कम्स फ्रॉम द वाइन, प्लीज रिमेम्बर दिस, अलौकिक क्षमता दाखलता से आती है, सुपरनैचुरल एबिलिटी कम्स फ्रॉम द वाइन, अलौकिक क्षमता दाखलता से आती है। जितने लोगों के बारे में हमने सीखा, वो सब में कुछ चीजें कॉमन हैं,
कि वो सबके सब परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग हैं, क्योंकि हमें ये जानना है कि ये क्षमता हम में नहीं है. वी डोंट हैव दिस काइंड ऑफ पावर. हमारे खुद से बाय आवर ओन सेल्व्स, इन आवर ओन सेल्व्स, वी डू नॉट हैव दिस पावर. हमें इतनी क्षमता नहीं है. वी डोंट हैव दिस काइंड ऑफ पावर. हमें उतनी क्षमता नहीं है. लेकिन ये जो क्षमता है वो आती है दाखलता से, और दाखलता यीशु मसीह है. प्रेज़ गॉड. अलौकिक क्षमता आपको मिलती है. इट कम्स फ्रॉम द वाइन. और जितने लोगों को हमने पढ़ा, चाहे वो आदम हो, चाहे वो इब्राहिम हो, जिसने 3013 लोगों को लेकर 4 राजाओं और उनके राज्य को हराया, चाहे वो दाऊद हो, जिसने छोटे से पत्थर को एक बड़े राक्षस को उसने मार दिया, या शमशोन है जिसने गधे के जबड़े को लेकर 1000 लोगों को मारा. ये सब के सब लोग परमेश्वर के साथ, हनोक जैसा परमेश्वर के साथ चला, ये सब के सब लोग परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग थे. उनके उनसे गलतियां हुई, लेकिन वो परमेश्वर के साथ चलने वाले लोग थे. क्योंकि बिना परमेश्वर के साथ चले, बिना परमेश्वर के साथ संगति किए, आप में ये क्षमता, मुझ में ये क्षमता काम नहीं कर सकती. इट कैनॉट वर्क, क्योंकि वो आती उससे है. और अगर हम उससे जुड़े हुए नहीं है तो वो क्षमता आप में बहेगी नहीं. और अगर वो क्षमता आप हम में और आप में बहेगी नहीं, तो हम में और दूसरे लोगों में कोई फर्क नहीं रहेगा. उनमें भी क्षमता नहीं है, हम में भी नहीं. प्रेज गॉड. मतलब पूरा वचन, एक विश्वासी होने के नाते हमारा पूरा एक शब्द पे हमारा पूरा फोकस है, वो है संगति. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो अलौकिक क्षमता, दैट सुपरनैचुरल एबिलिटी कम्स फ्रॉम द वाइन. वो दाखलता से आती है. इट कम्स फ्रॉम द वाइन. प्रेज गॉड. किसी के ऊपर भी आएगा, जो भी दाखलता के साथ जुड़ा रहेगा, इट डजंट मैटर. हो सकता है कि आप स्कूल में हो सकता है कि आप हाउस वाइफ हो सकता है कि आप बिजनेस कर रहे हो सकता है कि आप सेवकाई में हो सकता है कि आप कहां पर भी आप काम कर रहे हो, या जो कुछ भी आप कर रहे हो, अगर आप दाखलता के साथ जुड़े हुए हैं, तो दाखलता से वो अलौकिक क्षमता आप में बहेगी. जैसे एलिया में बही, जैसे दाऊद में बहा, जैसे यीशु में हुआ, जैसे हर एक विश्वासी में जिन्होंने बड़े बड़े काम किए हैं, वे सब दाखलता के साथ जुड़े हुए थे. प्रेज गॉड. इस वचन को देखिए, जो विच इज वेरी कॉमन. योहन्ना 15:5 में लिखा है कि मैं दाखलता हूं, यीशु ने कहा, तुम डालिया हो. और आप जानते हैं, डालिया दाखलता के बगैर आर यूजलेस. क्योंकि दाखलता को, अगर डालियों को अपने दाखलता से अलग कर दिया, धीरे 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 डालियां सूख जाएंगी और एकदम सूखा हो जाएंगी. क्योंकि ये बताता है कि डालियों में कुछ नहीं है. देयर इज नथिंग अपार्ट फ्रॉम द वाइन ब्रांचेस, हैव नथिंग. कुछ भी नहीं है. और वो हमारा एटीट्यूड होना चाहिए. यीशु ने कहा, मेरे बगैर तुम कुछ भी नहीं हो. यू आर एब्सोल्युटली, यू एंड मी, वी आर एब्सोल्यूट जीरोस दाखलता के बगैर. मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो. जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वो बहुत फल फलता है. क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते. प्रेज गॉड. मतलब जुड़े रहना, क्योंकि ये अलौकिक क्षमता. और मैं विश्वास करता हूं कि आप जो ऑफिस में काम करते हैं, आप जहां पर रहते हैं, प्रेज गॉड, जहां पर भी प्रभु ने आपको रखा है, नौकरी दिया है, या आप बिजनेस कर रहे हैं, या आप सेवकाई में हैं, जहां पर भी आप हैं, अगर आप दाखलता के साथ जुड़े रहेंगे, क्योंकि दाखलता से ये अलौकिक क्षमता बहती है, नाम देने की पूरी क्षमता. मतलब आपके फील्ड में जो भी आप कर रहे हैं, उसमें आप सोचिए अलौकिक क्षमता, उसमें आपको अलौकिक क्षमता, सुपरनेचुरल एबिलिटीज रिलीज इन वॉट एवर यू आर डूइंग. जो भी आपकी, आपका प्रोफाइल है, जो भी आप कर रहे हैं, जो भी काम के लिए प्रभु ने आपको रखा है, बिजनेस है, काम है, सेवकाई है, स्टूडेंट है, आप हाउसवाइफ है, जो भी है, छोटा सा छोटा बिजनेस क्यों ना हो, उसमें अगर आप परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो दाखलता है, और आप जानते हैं कि प्रभु, ये जो मैं कर रहा हूं, अगर मुझे एक्सेल होना है, अगर मुझे टॉप में आना है, तो मुझे अलौकिक क्षमता की जरूरत है. क्योंकि मेरा मानना है, कोई भी विश्वासी नीचे नहीं रहना चाहिए. एवरी वन ऑफ अस शुड कम टू द टॉप. जो भी कंपनी में आप हैं, जहां पर भी प्रभु ने आपको रखा है, चाहे आप स्कूल में हो, यू मस्ट कम टू द टॉप. आपको एकदम ऊपर, भले आपने नीचे से शुरू किया होगा, बट यू मस्ट कम टू द टॉप.
प्रेज गॉड, द टॉप पोजिशन. और आप जानते हैं वो हो नहीं सकता, नेचुरली वो नहीं होगा. लोग बोलते हैं कितना साल लगता है, ये साल लगता है, 15 साल लगता है, उसके बाद प्रमोशन होता है, 10 साल के बाद बात होता है, 15 साल के बाद घूमता है. और विश्वासी लोग हैं ये सब एक्सेप्ट करके बैठे हैं कि 15 साल के बाद लगता है, 10 साल के बाद लगता है. वह 15 साल के बाद लगता है वो स्वाभाविक लोगों के लिए. हम अलौकिक लोग हैं, हमारे लिए 15 साल नहीं लगता है. जो दूसरों के लिए 15 साल और 25 साल और 10 साल लगता है, हमारे लिए नहीं लगता है. वी आर सुपर नेचुरल पीपल. और हमारे लिए चीजें तेजी से होती हैं. सो जो लोग आपको बोल रहे हैं कि ये चीज के लिए 15 साल लगता है, ये चीज के लिए 10 साल लगता है, ये चीज के लिए 2 साल लगेगा, आप बोलेंगे, आप बोले हाँ हाँ हम देखेंगे, वी विल सी क्या चीज के लिए कितना टाइम लगता है. प्रेज गॉड, क्योंकि जो आपका दाखलता है फ्रॉम हिम इज रिलीज. अगर एलिया चलना चालू करेगा 30 किलोमीटर, अहाब यज़रील में पहुंच के खाना खा के नहा के सबके साथ मीटिंग करके जब रात को सोने में जाएगा, तब 5-10 घंटे के बाद एलिया चल के चल के चल के चल के चल के चल के यज़रील में पहुंच जाएगा. प्रेज़ गॉड. बट आई एम टॉकिंग अबाउट सुपरनैचुरल. जो लोग आपको बोल रहे हैं ना आपके विश्वास को ये करने के लिए, नेचुरल चीजें कि नहीं होता है, ये इसके लिए 10 साल लगता है, इसके लिए 7-8 उधर जाने के लिए ऐसा सब नहीं. व्हाट नेचुरल वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर सुपर नेचुरल पीपल. प्रेज गॉड. इसलिए ज्यादा ध्यान मत दीजिए डॉक्टर्स क्या बोल रहे हैं, ज्यादा ध्यान मत दीजिए लोग क्या बोल रहे हैं, आप वचन पे ध्यान दीजिए. यू फोकस ऑन द वर्ड. प्रेज गॉड. यू बिलीव द सुपर नेचुरल. आप अलौकिक चीजों पर विश्वास करें, वो लगता होगा, उतना टाइम आप के लिए लगता होगा ऊपर जाने के लिए. नॉट फॉर मी, आई एम अ सुपरनैचुरल पर्सन. प्रेज गॉड. मैं अलौकिक व्यक्ति हूं, मेरे लिए उतना टाइम लगता है. मेरा फोकस सिर्फ इतना है एक विश्वासी होने के नाते कि मुझे दाखलता से जुड़ा रहना है. बिकॉज यू कैनॉट राइज टू द टॉप ऑफ द कंपनी इन दैट पीरियड ऑफ टाइम विदाउट सुपरनैचुरल एबिलिटी. यू कैनॉट डू इट. प्रेज गॉड. क्योंकि पॉलिटिक्स है, ऑफिस पॉलिटिक्स है, ऑफिस ये है, ऑफिस ये है, उन सब के ऊपर आप कैसे आएंगे? सुपरनैचुरल एबिलिटी, अदरवाइज लोग आपको दबा देंगे. यू कांट कम अप. प्रेज गॉड. क्या ऑफिस पॉलिटिक्स कम है? जो लोग ऑफिस में काम करते हैं, यू नो व्हाट द पॉलिटिक्स आर. प्रेज गॉड. किसी को आगे नहीं जाने देना है. नो बडी शुड गो अप. इसीलिए आई वांट टू एनकरेज यू, यू नो, आप जानते हैं कि विदाउट अलौकिक क्षमता के बगैर आप ऊपर तक पहुंच नहीं पाएंगे. यू कांट डू इट. और इसीलिए आप दाखलता से जुड़े हुए हैं. बिकॉज आप बोल रहे हैं, प्रभु अगर मुझे इस जगह में, जो भी कंपनी में आप हैं, आप विश्वास कीजिए कि प्रभु ये कंपनी आप मुझे मेरे हाथ में दे रहे हैं. यू गिविंग इट इन माई हैंड. प्रेज गॉड. आमेन. ये कंपनी को आप मेरे हाथ में दे रहे हैं. यू गिविंग दिस कंपनी इन माई हैंड. ये जहां पर आपने मुझे काम पे रखा है, यू गिविंग इट इन माई हैंड. और आप ऊपर जा नहीं पाएंगे अलौकिक क्षमता के बगैर. यू कैन डू इट. प्रेज गॉड. आमेन. तो दाखलता से हम जुड़े हुए हैं, इसीलिए संगति इतना जरूरी है. क्योंकि दाखलता से अलौकिक क्षमता आजाद होता है, और वो अलौकिक क्षमता आपको आपकी दुनिया में एक ऊपर लेके आएगा. प्रेज गॉड. ग्लोरी टू गॉड. अमेजिंग. प्रेज गॉड. ओके, नंबर 3, माय फाइनल पॉइंट. द डीपर योर फेलोशिप एंड ओबीडियंस, the greater will be the manifestation of supernatural ability in your life. आपकी संगति और आज्ञाकारिता जितनी गहरी होगी, आपके जीवन में अलौकिक क्षमता की अभिव्यक्ति उतनी ही अधिक होगी. Praise God. The deeper your fellowship and obedience to the Holy Spirit, that's understood. The deeper your fellowship with the Holy Spirit, the quicker your obedience to the instructions of the Holy Spirit, the greater will be the manifestation of supernatural ability in your life. आपकी संगति पवित्र आत्मा के साथ, आपकी आज्ञाकारिता पवित्र आत्मा के instructions के प्रति जितनी गहरी और जितना तत्पर तुरंत होगा, आपके जीवन में अलौकिक क्षमता की अभिव्यक्ति या प्रकटीकरण उतना ही अधिक होगा. प्रेज गॉड. जैसे मैंने आपसे कहा कि ये अलौकिक क्षमता दाखलता से बहती है. हमारे किसी के भी अंदर अलौकिक क्षमता नहीं है, वो दाखलता में है. जो लोग दाखलता से जुड़े रहेंगे उनमें
ये अलौकिक क्षमता बहेगी, आपकी संगति और आज्ञाकारिता, योर फेलोशिप, हमारी संगति और परमेश्वर के प्रति हमारी आज्ञाकारिता जितनी गहरी होगी, द डीपर इट इज, उतना ही बेहतर अलौकिक क्षमता हमारे जीवनों में होगा। प्रेज गॉड, हर विश्वासी में होना चाहिए, लेकिन ये उन्हीं विश्वासी में होगा जो संगति जिनकी गहरी है, उनका फेलोशिप इज डीपर। प्रेज गॉड, उन्हीं में होगा जो आज्ञाकारी है परमेश्वर के वचन और पवित्र आत्मा के प्रति, वो आज्ञाकारी हैं, दे आर ओबीडियंट पीपल। प्रेज गॉड, तब अलौकिक चीजों को हम देखेंगे। आमीन। मैं अपना मनमानी जो भी करूं और मैं जिधर भी जाना है जाऊं, जो भी बोलना है बोलूं, टाइम को बर्बाद करूं, और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मेरे अंदर अलौकिक चीजें होंगी, नहीं होने वाली है, इट विल नॉट हैपन। प्रेज गॉड, हमारा पवित्र आत्मा के साथ संगति, आवर फेलोशिप विद द होली स्पिरिट, हमारा पवित्र आत्मा के साथ उसके निर्देशों का, उसके इंस्ट्रक्शंस का आज्ञाकारिता, जो वो बोलता है उसे करना, प्रेज गॉड, अलौकिक चीजों को, अलौकिक क्षमता को आजाद करेगा। प्रेज गॉड। ओके, इस वचन को देखिए, दिस आर माय लास्ट वर्सेस। प्रेरितों का काम 8:29 में देखिए क्या लिखा है। तब आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, तब देखिए पवित्र आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर उस रथ के साथ हो ले। कोई खोजा, इथियोपिया का खोजा रथ के ऊपर बैठा हुआ था। पवित्र आत्मा ने फिलिप्पुस से कहा, निकट जाकर उस रथ के साथ हो ले। एक इंस्ट्रक्शन पवित्र आत्मा ने विश्वासी को दिया कि सामने जा, उसके साथ हो ले। अभी फिलिप का रेस्पॉन्स देखिए, आई वॉन्ट यू टू सी फिलिप्स रेस्पॉन्स। फिलिप्पुस ने उस ओर दौड़कर, पवित्र आत्मा ने उसे कहा नहीं दौड़ने के लिए, लेकिन उसका दौड़ना ये बताता है कि पवित्र आत्मा के इंस्ट्रक्शंस के प्रति वो कितना सीरियस है। उसका रेस्पॉन्स देखिए पवित्र आत्मा के प्रति, पवित्र आत्मा उसको कुछ बोल रहा है और वो दौड़ रहा है। प्रेज गॉड, ही सो प्रॉम्प्ट टू ओबे, ही सो क्विक टू ओबे। उसका रेस्पॉन्स देखिए पवित्र आत्मा के इंस्ट्रक्शंस के प्रति। पवित्र आत्मा ने कहा कि जाकर उस रथ के सामने हो जा, वो दौड़ने लगा। He heard it and he started running। उसका रिश्ता देखिए पवित्र आत्मा के साथ। Look at his relationship with the Holy Spirit। पवित्र आत्मा के साथ उसका रिश्ता, उसका रेस्पॉन्स देखिए पवित्र आत्मा के प्रति। I really like it। No wonder ये लोग अलौकिक क्षेत्र में चले हैं। फिलिप्पुस ने उस ओर दौड़कर उसे यशया भविष्यवाणी की पुस्तक पढ़ते हुए सुना और पूछा कि तू जो पढ़ रहा है क्या तुम्हें, क्या उसे समझते भी हो। प्रेज गॉड, लेकिन मेरा ये जो वचन मुझे छुआ, वो जो शब्द है दौड़ना, दौड़कर, इट रियली टच्ड मी। प्रेज गॉड, पवित्र आत्मा ने आपसे कुछ कहा और आप 5 दिन लेके आप सोच नहीं रहे, जाना है क्या, जाना है क्या, करना है क्या, जाना है क्या, किसी को फोन करते हैं, इसको पूछते हैं, उसको पूछते हैं, इसका जीवन देखते हैं। पवित्र आत्मा ने आपसे कुछ कहा, आज 5 दिन हो गए, 5 साल हो गए, यू नॉट डूइंग इट, यू आर ब्लॉकिंग द सुपरनैचुरल। प्रेज गॉड, फिलिप्पुस को प्रभु ने कहा उस रथ के सामने जा, और वो दौड़ने लगा, ही रैन टुवर्ड्स द चैरियट। उसका रिस्पॉन्स पवित्र आत्मा के प्रति, उसकी संगति पवित्र आत्मा के प्रति। Amen. Unmute yourself. Okay, so, देखिए जब वो खोजा जाता है, उसको बपतिस्मा देता है, और प्रेरितों का काम 8:39 में लिखा है। Somebody is unmute. Okay, उसका रेस्पॉन्स देखिए, पवित्र आत्मा उसे बोलता है, वो भागता है। ओके, वो चल रहा नहीं है, वो आराम से टाइम पास कर इधर उधर भेजता है, इधर किधर चलते चलते किधर और घुस गया, नहीं, ही सो फोकस्ड एंड ही इज रनिंग। प्रेज गॉड, पवित्र आत्मा ने मुझसे कहा है। आमीन। और सब कुछ होने के बाद, खोजा को बपतिस्मा देने के बाद, सी द लास्ट वर्स, प्रेरितों का काम 8:39-40। जब वे जल में से निकल कर ऊपर आया, तो प्रभु का आत्मा फिलिप्पुस को उठा ले गया, सो खोजे ने उसे फिर न देखा,
और वह आनंद करता हुआ अपने मार्ग चला गया। मतलब पवित्र आत्मा ने उसे उठा लिया, वो देखा नहीं कि कहाँ पर है, वो खोजा, बात कर रहा था फिलिप उसे, पानी में उसको बपतिस्मा दिया, बात अचानक फिलिप गायब हो गया, लाइक ऑल ऑफ अ सडन वो गायब हो गया। प्रेज गॉड। अगले वचन में लिखा है, और फिलिपुस अशदोद में आ निकला और जब तक कैसेरिया में न पहुंचा तब तक नगर नगर सुसमाचार सुनाता गया। दिस इज सुपरनैचुरल। प्रेज गॉड। मतलब एक जगह से आप गायब होकर दूसरी जगह में आप आ गए। और लेकिन मेरा पॉइंट ये था कि ये चीजें वचन से हम इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि जो अलौकिक चीजों को वचन में पूरा हम देखते हैं, हम उसकी अपेक्षा करें। यू बिलीव इट। अगर परमेश्वर इन लोगों को इस्तेमाल कर सकता है, और मैंने कहीं पर पढ़ा है कि परमेश्वर पक्षपात नहीं करता है, परमेश्वर ने अगर उनके लिए किया है तो परमेश्वर आपके लिए करेगा। प्रेज गॉड। अशदोद में प्रभु ने उसको पहुंचा दिया विद इन फ्लिप सेकेंड्स, विद इन स्प्लिट सेकेंड्स अशदोद में वो आ गया। प्रेज गॉड। और ये एक ऐसा व्यक्ति है फिलिपुस जो पवित्र आत्मा के प्रति उसका रिश्ता देखिए, सी हिज रिलेशनशिप विद द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा के प्रति उसकी आज्ञाकारिता देखिए, और पवित्र आत्मा ने उसके जीवन में अलौकिक काम किया। सो दैट वॉज माई पॉइंट विच आई एम गोना रीड इट वन मोर टाइम एंड वी विल बी प्रेइंग। द डीपर योर फेलोशिप एंड द क्विकर योर ओबीडियंस द ग्रेटर विल बी द मैनिफेस्टेशन ऑफ सुपरनैचुरल एबिलिटी इन योर लाइफ। आपकी संगति जितनी गहरी होगी और आपकी आज्ञाकारिता जितनी जल्दी होगी, आपके जीवन में अलौकिक क्षमता की अभिव्यक्ति उतनी ही अधिक होगी। प्रेज गॉड। सो आई वुड एनकरेज यू कि हम परमेश्वर ने जो हमें दिया है उस बातों की हम अपेक्षा करें। जो प्रभु ने पुराने नियम में किया, नए नियम में किया, वही प्रभु आपके जीवन में करेगा। अगर आप विश्वास कर रहे हैं और आप अपेक्षा कर रहे हैं और आप बोल रहे हैं कि प्रभु मैं अपने बिजनेस में, मैं अपने सेवकाई में, मैं अपने घर में, अपने आर्थिक क्षेत्र में, अपने शरीरों में, मैं जीवन के हर क्षेत्र में मैं अलौकिक चीजों को देखना चाहता हूँ। प्रभु हम नॉर्मल लोग नहीं हैं, हम साइंस के अनुसार नहीं चलते हैं, हम लॉज ऑफ नेचर हमारे जीवन को डिक्टेट नहीं करता है, वी आर सुपर नेचुरल पीपल, और हम अलौकिक चीजों की अपेक्षा कर रहे हैं हमारे बच्चों के लिए, हमारे विवाह में, हमारे पैसों के क्षेत्र में, बिजनेस के क्षेत्र में, सेवकाई के क्षेत्र में, आत्मिक क्षेत्र में, हम अलौकिक चीजों की अपेक्षा कर रहे हैं, वी आर एक्सपेक्टिंग इट। और प्रभु के साथ आप अपने संगति को किसी भी कीमत में, किसी भी व्यक्ति को या किसी भी चीज को ये मौका मत दीजिए कि आपकी संगति को वो तोड़ सके। प्रेज गॉड। डू नॉट लेट एनीबॉडी स्टील योर प्रेयर टाइम। प्रेज गॉड। क्योंकि अलौकिक क्षमता बहती है दाखलता से, इसलिए आप उससे जुड़े रहें। प्रेज गॉड। ये मत सोचिए कि कैसे होगा, कैसे होगा, प, 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 जो डिटेल्स हैं प्रभु देखेगा, और अलौकिक क्षेत्र से आप ऊपर आएंगे। यू विल कम अप ऑन द टॉप, ही विल ब्रिंग यू टू द टॉप, ही विल मेक यू रिच, ही विल हील यू, ही विल ब्रिंग यू टू द टॉप एंड ही विल मेक यू अ ग्रैंड सक्सेस। और ये स्वाभाविक तरीके से नहीं होगा, क्योंकि अगर स्वाभाविक तरीके से होगा तो मनुष्य को महिमा मिलेगी। ये सब चीजें अलौकिक तरीके से होगा, क्योंकि उस सब की महिमा हम यीशु को देंगे। प्रेज गॉड। आमेन, आमेन, आमेन। प्रेज गॉड। ओके, आइए हम दुआ करेंगे। लेट्स प्रे। थैंक यू लॉर्ड जीसस, ग्लोरी टू गॉड। पिता परमेश्वर, हम आपको ठीक है, हमारे बीच में I just got a message. You can stop the recording, Ashya. Prabhu Ashish.